हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। और मैं आ गई रसोई में। ये मेरी बन गई है चाय इधर, और ये मैं बना रही हूँ दलिया। आज मैंने फिर ये फ्राई पैन ले लिया गत्ती से, और मैंने चाय छान दी है। मैं करती हूँ गैस बंद। चलिए चाय ले चलते हैं। आ जाइए, चाय पीजिए पहले। ये मेरे यहाँ दलिया बन रहा है, आ जाइए चाय पीने के लिए। मैंने चाय डाल दी है, चाय पी लीजिए आप। अदरक की चाय है और मैं कौशिकी चाय डाल रही हूँ। कौशिकी चाय डाल रहा हूँ। पहले मैं चाय पी लेती हूँ। पहले दूसरी चाय। बिग बॉस अच्छा आ रहा है। जैसे कई बार शुरुआत बोरिंग होती है बिग बॉस की, ऐसा बोरिंग बिग बॉस नहीं है, बहुत अच्छा आ रहा है। टाइम पास होता है बढ़िया, और इसमें तीन लोग ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो गोहर खान है, हिना है, ये तो हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं जो वो है सिद्धार्थ शुक्ला, निकी और पवित्रा। ये तीन लोग बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मैं भी अच्छा लग भी अच्छा रहा है तीनों का, क्योंकि मुझे ओवर लग रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला ने समझाया है तो वो समझ रही है। अब बिग बॉस दो बार देख लो, दो बार आता है रात को, जैसे वो बोर नहीं होगा आदमी उससे कि भाई मैंने अभी एक बार देख लिया है तो मैं दोबारा देखूंगी वो स्टोरी नहीं, लेकिन बोर नहीं होगा। अच्छा बिग बॉस आ रहा है और अभी साफ सुथरा है, मुझे यहाँ पर कोई गंदगी नहीं दिखाई दे रही है। पिछले सीजन में बहुत गंदगी परोसी गई थी बिग बॉस 13 में, लेकिन 14 की अभी शुरुआत है तो वो शुरुआत से ही दिखा दी थी कि भाई एक बेड पे दोनों लड़का लड़की को सुलाना। यहाँ देखो कपल भी है एक इसमें, वो भी मैंने उन दोनों को कभी आपस में पास में बैठते हुए नहीं देखा। तो वो जब क्योंकि ये इसको बिग बॉस को बच्चे भी देखते हैं और बड़े से ज्यादा बच्चे ज्यादा देखते हैं इस बिग बॉस को। अभी तो मुझे कुछ उसमें कुछ गंदा नहीं लग रहा है, सब साफ सुथरा, बहुत अच्छा बच्चों के लायक देखने। बड़े बड़े हम लोग पेरेंट्स देख सकते हैं, हमारे बच्चे छोटे बच्चे भी देख सकते हैं। अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन टाइम थोड़ा गलत है। जिनको भाई ड्यूटी जाना है, जिनको सुबह उठ के काम करना है, उनके लिए थोड़ा गलत हो जाता है। जो कि भी 10 बजे सोने वाले, 10:30 बजे सोने वाले लोग हैं, बिग बॉस की वजह से 11 बजे तक एडजस्ट कर लिया अपना टाइम। लेकिन उन 10:30 बजे शुरू होकर बिग बॉस तो 11:30 बजे तक एक घंटा चलता है ना, तो काफी टाइम लग जाता है। आज का एपिसोड जरूर देखना, बहुत अच्छा आएगा। निकी, पवित्रा और जैस्मिन वसीम, इनका देखना काफी अच्छा है। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ, हो सकता है आप लोगों को निकी मुझे पसंद है, लेकिन मेरी अपनी राय में बता रही हूँ, निकी मुझे थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करती हुई लग रही है इसमें। अब ये थोड़ी बिग बॉस में आएगा आदमी तो वो अपनी चलाएगा, उसकी भी माननी पड़ेगी, लेकिन वो हर चीज पे अपनी राय रख रही है, अपनी बातें रख रही है। इसमें सब माँ कह रहे हैं लेकिन वो लड़की नहीं मानती है, बस खाली एक उसका कहना मान रही है, सिद्धार्थ शुक्ला का। और अभी जो बीच में थोड़ा सा अट्रैक्शन दिखाई दिया था राहुल का, पवित्रा का, वो भी मुझे लगा टूटता हुआ नजर आ रहा है। कल काफी झगड़ा हुआ है दोनों का। तो आप लोग देखिए, बहुत मजेदार प्रोग्राम है। अब ये बोर नहीं हो गए आप? चलिए फिर। मेरे को तो रात भर नींद नहीं आ रही है। कल तो मुझे फीवर भी था, दोपहर से ऐसा लग रहा था, जब मैं दोपहर में खाना बनाया था, मैं कोशिश कह रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी आ रही, चक्कर आ रही है। तो ये कह रहे सो जाओ, तो मैं सो भी गई। फिर उसके बाद मैं रात को भी मेरे को ऐसी है ना, मुझे खाना भी अच्छा नहीं लग रहा, खाना भूख नहीं लग रही है, उल्टी और चक्कर आ रही है। बुखार भी था 99। आपको जब मैं सोती हूँ पहले तो मुझे नींद नहीं आ रही, जब सोऊंगी मैं तो गर्मी लग रही है। मैं एसी चला लूंगी, मैं एसी चला के सोती हूँ, आंख बंद होगी, कोशिश जी फट से बंद कर देंगे। मैं कल कम से कम मैंने 50 बार रात को एसी चलाया और इन्होंने 50 बार बंद करा है। ये मेरे से पहले सो जाते हैं क्योंकि मैं वीडियो चेक करती हूँ सारी, तो इन्होंने बंद कर दिया है। अब पूछो भाई, मैंने ये एसी चलाया, ये किसने बंद करा? मैंने करा, मेरी नाक बंद हो गई। एक आदमी की वजह से दूसरे आदमी को परेशानी भुगतनी पड़ रही है, मेरे जैसे को जिसे नींद नहीं आती है। अरे ये बताओ, अगर रात भर नींद नहीं आई तो पूरा दिन खराब है ना मेरा, ये बताओ, जिसमें कि मुझे पूरे दिन काम करना है। आप लोगों को नहीं लगता होगा कि भाई मेरे घर में काम है, लेकिन मेरे घर में पूरे दिन का काम है। देखिए मैं ऑक्सीमीटर से नाप रही हूँ, अभी नापा था रात को, 97 था मेरा, और नहीं आ रहा 95-83। अभी मेरा 95-83 है ऑक्सीमीटर से, पॉइंट पे बैठा है मेरा। कौशिक जी का है 94 और 75, ऑक्सीजन लेवल 94 है इनका। उनको यही कह रहा है, पापा से कहो कि भाई ध्यान रखें अपना। कौशिक से मुझे डर लग रहा है,
हमको बहुत समझा रहा अपने पापा को, लेकिन वो ये ना कौशिक जी हमारे थोड़े वैसे हैं, जैसे गांव वाले आदमी होते हैं ना, अरे क्या होएगा छोड़ो, कई बार तो मास्क ही भूल जाते हैं। मैं खुद बताती हूँ कि लेके जाओ मास्क, इसे सैनिटाइज करो, मास्क लेके जाओ, ऐसे उठ चले जाते हैं उठ के। अरे मेरा तो मन लग नहीं रहा है यहाँ पे बहुत, मैं तो बोर हो गई हूँ। ये कौशिक जी ना वीडियो एडिट कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, अभी मैं दीपा को दे रही हूँ और दीपा ऐसी तो आप देख रहे हो किस तरह से एडिट कर रही है, वो सब कुछ काट कूट के चार स्टोरी काट के एक स्टोरी बना देती है। कल एक वीडियो डाली है, रात को डाली है, जो लेट नाइट डाली है वो, तो उसमें मैंने रात को देखी थी, तो रात को लाइट ऑफ थी मेरे पूरे घर की। मुझे कल एक चीज, हाँ कल मुझे एक चीज और भी महसूस हुई थी, कल दोपहर की बात है, करवट में लेटी हुई, दरवाजे तरफ से मेरी करवट थी और मुंह उस तरफ था और खूब अच्छी तरह से मेरा दरवाजा बंद था, और ऐसी जोर से किसी ने मेरे दरवाजे में धक्का मारा है। जब ये दरवाजा धक्का जब खुलता है, या तो मैं बाथरूम का दरवाजा खोलूंगी जब खुलेगा, या मैं बाहर का दरवाजा खोलूंगी तब वो बीच के दरवाजे में धक्का लगता है। ना मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला, ना मेरा बाहर का दरवाजा, कोई घर में था ही नहीं तो कौन खोलेगा बाहर का दरवाजा। मेरा वो दरवाजे में इतनी जोर से धक्का मारा है किसी ने, वो दरवाजा खुल गया एकदम, मेरी करवट बदल गई और मैं उधर ही देखी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस टाइम, मैं आपको बता रही हूँ। मैं आराज थी भाई, ये कह रही है मम्मी मर जाएगी, और सारे दिन मम्मी रहती है उस घर में, अब मुझे खुद लगता है। और कल देखो, कल वीडियो डाली है, कल रात को लाइट ऑफ थी, तो मैं उस वीडियो को देख रही थी, वीडियो देखते देखते बीच में एक जगह ऐसी आवाज आई है अजीब सी, जैसे कुछ और कोई चीज और है इस वीडियो के अंदर तीसरे आदमी की, तो वो मैं वापस लौट के गई उस जगह पे, मैंने फिर दोबारा देखी है वो आवाज, तो मुझे बहुत डरावनी लगी। मैं रात का टाइम था, अंधेरा गुप्त था कमरे में, तो मुझे अजीब सा लग रहा था, जैसे कमरे में से आवाज आई है, ऐसा लगा जैसे मुझे कमरे में से आवाज आई है। फिर मैंने सोचा बहन पालने से अच्छा है पहले मैं एक बार देख लेती हूँ दोबारा, कहते इसमें है क्या, देखा तो उसी के अंदर आवाज थी वीडियो के अंदर, तो उस टाइम मुझे बहुत डर लगा था, तो मैंने वो बात की चर्चा नहीं करी और मैं सो गई। मैंने उस पर उन्होंने कहा किससे कहती, आप बताओ किससे कहती है, सोए पड़े थे, मैं तो अकेली रात में डर जाऊंगी। जयो मेरे वैकुंठ पर देवी देवता हो, दीनों के नाथ हरि, दीनों के नाथ हरि, प्रभु जाने अनजाने में गलती होगी, क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना, रोग दो शोक को मुझसे, स्वामी से, मेरे बच्चों से, मेरे घर से दूर रखना। जय हो मेरे बाबा जी महाराज की। हेलो एवरीवन। हेलो, नमस्ते जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी, कैसे हो सब? बढ़िया बढ़िया है सब, बढ़िया बहुत बढ़िया हो ना? हाँ बहुत बढ़िया। और मौसम का आनंद ले रहे हो? ठंड हो गई है अपने साइड में थोड़ी थोड़ी, तो यहाँ तो बारिश हो रही है आज। हाँ यहाँ तो बारिश हो रही है, लेकिन अपने यहाँ तो बता रहे हैं रात को ठंडा मौसम हो गया है, और गर्मी बहुत है यहाँ, बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी देखो ये वीडियो की वजह से पंखा बंद करा हुआ है, एसी चल रहा है, लेकिन पसीना आ रहा मुझे तो ना। अब अपने साइड में नॉर्थ साइड में हर सब जगह मतलब अब ठंड पड़ेगी और यहाँ पर गर्मी पड़ेगी, उल्टा है यहाँ पे मौसम। जब भी थे यहाँ लोग काले काले क्यों गर्मी बताते हैं, गर्मी है सच में, वो गर्मी वैसी है, फिर भी वो तीखी वाली गर्मी है, फिर भी यहाँ का मौसम अच्छा है हमारे यहाँ से। हाँ वैसे अच्छा है, लेकिन अगर दोपहर में अगर 9-10 बजे आप निकल गए ना बाहर तो बहुत 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 वैसी वाली गर्मी। मेरे से किसी ने कमेंट किया था नवरात्रि के बारे में, कहा था कि आंटी मैं पूरे नवरात्रि के व्रत करती हूँ 9, लेकिन मैं तो भगवान जी का फ्रूट का ही भोग लगाती हूँ और मैं एक टाइम ही नमक खाती हूँ, सेंधा नमक, तो फिर मैं क्या करूं अब मुझे बताओ बेटा। अगर आप भाई अभी जैसे एक ही टाइम नमक खाते हो तो फ्रूट का भोग लगा रहे हो तो वही लगाते रहो, लेकिन शाम को तो आप नमक खाते हो ना, नमक खाते हो तो आप जो खाना खाओगे वही भगवान को खिलाना ना। सही बात है, तो जो आप खाना खाओगे नमक वाला सेंधा नमक का जो फलहार बनता है, जैसा भी है हलवा है पूरी है कुटुआ आटे की, वो सब भगवान का भोग लगाना, ठीक है? सही बात है। हाँ जब आप अगर आप फली खाते और ये नहीं खाते, ये नमक नहीं खाते, या आप ये फलहार नहीं करते, ये वाला जो सेंधा नमक फल का लगा सकते थे, हाँ तब फल का लगा सकते थे, तो आप एक टाइम जब नमक खाते हो उस टाइम नमक का भोग लगाओ भगवान जी, ठीक है? और किसी ने मेरे से ये कहा था कि ये शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता गोल और लंबी बत्ती का, आंटी ये कुछ नहीं होता। बेटा मैंने ये नहीं कहा शगुन अपशगुन नहीं बोला मैंने, मैंने ये कहा था कि गोल जो लंबी बत्ती है, गोल बत्ती तो बीच में रखी जाती है तो उसकी तो डायरेक्शन सीधी एक ऊपर होती है, वो सारे दिशाएं कवर कर लेती है वो एक ऊपर वाले, ठीक है? लेकिन गोल बत्ती लंबी बत्ती को अगर आप रखोगे दिए में तो आप किस साइड में मुकर कर रखोगे, तो आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए इस चीज पे कि भाई हमें भगवान की भाई किस तरफ रखनी चाहिए, जो है ना, तो बस यही कहा था मैंने उसमें। मुझे शगुन अपशगुन नहीं होता है किसी भी बत्ती से, बस ये हमें अगर कई बार अनजाने में हम नहीं पता है हम दूसरी दिशा में रखते हैं उस बत्ती को करके जैसे भगवान तरफ पूजा करने के लिए, तब थोड़ा सा मैंने ये कहा था। ना ऐसा कोई अपशगुन अपशगुन कुछ नहीं है, सब बढ़िया है, सब अच्छा अच्छा है सब। फिर फ्राइडे आ रहा है, दीपा मेरे से कह रही है मम्मी मुझे लक्ष्मी जी का व्रत करने हैं, 16 तारीख को अमावस है, उस दिन 17 तारीख का पहला व्रत है शनिवार का, तो अब जो शुक्र आएगा उसके बाद 17 के बाद में जो,
उसको तो कर लेना बट कर सकती है वर्त अब कर सकती है मैंने क्या कर लिया बेटा चुन्नी भी मंगाई है मैं बोली चलो अब के बाद में माता रख लेती हूँ तस्वीर है वैसे बेट पे अगर नहीं सही बैठा तो तस्वीर रखूंगी मैं अपनी जो रखती हूँ अब तक नहीं तो फिर मैं अपनी वो दिखाऊंगी अपनी माता जो मैंने मंगाई है कल परसों में आ जाएगी ठीक है। कल तो कौशिक जी डर गए रात को मैं इतनी जोर से चिल्लाई हूँ रात में कौशिक जी सो गए थे और मैं जगी हुई थी दीपा ने मेरी वीडियो डाली जब मैं उस ब्लॉग को देख रही हूँ देखते देखते मुझे उसमें ना अजीब सी आवाज आई है बहुत तेज और मेरे कान में तार भी लगे हुए थे। अब वैसे नॉर्मल आदमी सुनेगा तो इतना तेज नहीं सुनाई देगा और रात को एकदम सुनसान कोई आवाज कमरे में मेरे नहीं है और कान में तार लगे हुए हैं मेरे और उसके बाद में जब वो वहां पे पहुंची है जहां पे आवाज आई है एकदम मैं डर गई एकदम मैं वो मैंने फोन एकदम पेट पर रख दिया लेटी हुई देख रही थी मैं फिर मैं चारों तरफ देखने लगी अपने कमरे में मैंने कहा कहां से आवाज आई मैं जोर से चिल्लाई हूं जैसे तो कौशिक जी उठ गए हैं तो वे कह रहे क्या हो गया मैं बोली मैंने देखी मैं उतना कि हाँ इसमें कुछ आवाज सी आई है इसमें अजीब सी आई है और मैं दोबारा लौट के भी देखी है तो आ रही है मैं ना देख रही इसे तो कौशिक जी तो नींद में थे तो कह रख दो सो जाओ कुछ नहीं होगा तो वैसे डर रही है मेरे से बोल रहे हैं मैं उस समय सोया हुआ था और मेरे को पता नहीं था कि भाई ये किस विषय बात कर रही है तो मैंने कही चलो सो जाओ ऐसे ही होगा ये ऐसे कह देंगे नींद में चाहे बात नहीं सुनेंगे कहेंगे सो जाओ सो जाओ। सुबह दीपा का फोन आया था तो मैं कहती हूँ उससे पहले दीपा ही कहने लगी मम्मी रात को कोई औरत की हंसने की आवाज आई है तो दीपा कहने लगी मम्मी कई लोग आए कमेंट कई उन्होंने भाई कमेंट करे कि आवाज आई हमने भी सुनी हमने भी मैंने की दीपा सुनी मैंने भी थी रात को मैं डर भी गई थी रात को ऐसा लगा जैसे कमरे में से आवाज आई है और फिर आज फिर जब बात हुई है दीपा से मेरी तो दीपा कह रही है मम्मी आप ये घर क्यों नहीं खाली करती आपको मरने के चक्कर में डोल रही हो क्या उससे पापा तो रहते नहीं है सारे दिन घर में पापा को कुछ नहीं चीज ऐसे देगी आपको सेज जाएगी आप सारे दिन घर में रहती हो अकेली रहती हो दिन मैं बोली मैं क्या करूं फिर मैं और दीपा आज शाम को ऐसी बात कर रहे थे कितने बज गए साढ़े पांच छह बजे से मैंने हाँ। दीपा का फोन लगाया उनका उसका भी एंगेज था और इनका भी एंगेज था दोनों का फोन लगा तो मैं और दीपा बात कर रहे हैं तो बात करते करते मेरे को एकदम ऐसी आवाज आई है जैसे कोई आदमी बोला बीच में आदमी बोला बीच में तो फिर मैं सोची पता ना दीपा के पास कौन आदमी हो सके हॉस्टल में तो कोई भी पीजी में तो कोई नहीं रहता है ना कोई अन देता किसी को भी क्योंकि पीजी हमारे अपने घर के मेंबर का ही है परिवार के आदमी का ही है पीजी हमारा तो वो सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है दीपा को तो दीपा ने सुनी है मैंने भी सुनी है तो मैं अपने मोबाइल देखने लगी मैंने पता ना आवाज कहां से फिर मैंने ध्यान नहीं दिया मैं बोली जान दे पैसी आई होगी थोड़ी देर बाद फिर एक आदमी फिर आदमी की आवाज आई मुझे भी आई है फिर दीपा ने मैं टोक दी आपके यहाँ पर किसी आदमी की आवाज आ रही है मैंने की मैं तेरे से पूछना चाह रही थी मैंने बोली मैं तो अकेली अब दीपा ने जैसे ये कही है मेरा दहशत बैठ गई मैं ऐसे उठ के भागे सबसे पहले मैंने पूरे घर में बाहर गई सबसे पहले भाग गई मैं उठ के बिस्तर पे से मैं बोली मैंने की यहाँ गई यहाँ से आवाज आई मतलब यहीं पे होगी वो चीज अंदर ही मुझे दिख नहीं रही है ऐसी चीज कहाँ दिखती है आराम से मुझे नहीं दिख रही लेकिन आवाज आ रही है फिर मैं दीपा से कह रही मैंने दीपा किस लिए डरा रही है तू मैंने मम्मी डरा नहीं रही मैंने की आवाज तो मैंने सच्ची में सुनी है दो बार मैंने भी सुनी है क्योंकि अगर मैं दीपा की सुनी हुई होती तो शायद मैं ये कहती हो सकता वह मैं लेकिन वो आवाज मैंने भी सुनी है उसके बाद मैंने पूरी लाइट जला ली सब करके मैंने कहा दीपा तू भी मैंने कहा अपना काम कर मैं भी अपनी जोत बत्ती कर रही हूँ भगवान की जाकर फिर मैं तो अपनी पूजा वूजा करी फिर मैं अपनी चाय बना के लाई हूँ तब भी मुझे अपने बेडरूम में डर लग रहा था ये कौशिक जी है तो ये वो नहीं करते हैं बिल्कुल डरते नहीं है मैं नहीं डरता और डरते भी हैं आवाज भी आएगी तो ये चीज महसूस नहीं होने देते हैं कहीं अगर भाई इन्हें बता देंगे तो डर जाएंगे फिर ये रुकेंगे नहीं यहाँ पर ये तो फंडा है रात को 3:30 बजे हम इस घर में आए हैं उसी दिन से मैं कह रही हूँ कौशिक जी से मुझे इस मकान में नहीं रहना है मैंने अपना इन्वर्टर वोटर कुछ नहीं लगवाया था एसी वीसी क्योंकि मैंने ये कह दिया था शुरू में मुझे ये मकान नहीं रहना मुझे यहाँ से जाना है लेकिन कौशिक जी को ना कहते हैं ना जू नहीं रहती है बात इधर को सुन के ना मेरे को निकालना है जबकि सामान पूरा बंद पैक हुआ रखा था ये नहीं कि हमने सामान सेट कर दिया पैक था सामान वही शिफ्ट हो सकता था मकान देख के लेकिन कौशिक जी को आदत है क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो ये घर मिला है अब पता ना कितने महीने और इंतजार करना पड़ता है ऐसे अब दीपा तो कह रही मैं तो उस घर में कभी नहीं आऊंगी और आपसे भी कहती हूँ आप भाग जाओ इधर कहाँ जाऊंगी अब यही तो बात है कहाँ जाऊंगी मैं पूरी दोपहर ही पूरे उस शाम तक रात को 9:30 बजे तक मैं पड़ी रहती हूँ इस घर में अब ये बताओ कितनी अब देखो कौशिक जी नींद आने लगी अब ये थोड़ी बहुत देर में लुढ़कने वाले हैं सो जाएंगे और मैं जगी रहूंगी मैं नहीं सोता और अभी थोड़े दिन की बात है जब इनको हुआ था जब हाँ मैं गया था वहाँ पे कोचिंग के लिए जब तो यहीं तो खड़े मैंने बताया तो था कौशिक जी कह रहे थे मेरे से तुम्हें घर छोड़ देता हूँ ये ट्रेनिंग लेने की ट्रेनिंग पे गए थे बोले तुम्हें घर छोड़ देता हूँ तुम अकेली कैसे रहोगी दीपा कह रही मैं नहीं आ पाऊंगी या तो पहले बता दे दीपा जब भी गई थी 5-7 दिन पहले ही गई थी यहाँ से जब भी रुक जाती तो ठीक था अब मैं नहीं आऊंगी
तो अब मैंने भी कह दिया मैं भी नहीं जाए, 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए मैं कहाँ जाऊंगी, मैं अपने यहाँ मैं यहीं रुक जाऊंगी, क्यों किराए लगाऊंगी, मैं रुक जाऊंगी। तो ये कह रहे तुम डर जाओगी, इन्होंने मेरे से कहा ना तुम डर जाओगी। इनसे बहुत बोलना कि भाई डर जाओगी, रात को सो नहीं पाओगी, क्योंकि हमेशा डर रहता है मन में, जब भाई डर रहता है तो डर लगेगा ही ना फिर। तो मैंने इनसे कहा कि चलो छोड़ देता हूँ दिल्ली, उसमें बैठा देता हूँ जहाज में, फिर 2 घंटे बाद पहुंच जाओगी। तो ये बोले नहीं मैं तो घर में रहूंगी। मैंने इनसे कही मैं तो घर में रहूंगी, और मैंने इतने इनसे ये भी कह दी थी उस टाइम पे, मैंने कि क्यों, मैं घर के बाहर ही तो है, घर में थोड़ी अंदर है, मैं तो अंदर रहूंगी, मैं जाऊंगी ही ना बाहर, अगर मेरे को थोड़ा ये डर है कि घर के बाहर है तो बाहर मैं जाऊंगी नहीं, घर के अंदर थोड़ी है, मैं आराम से रह जाऊंगी। और मैं सो गई उस दिन। सो गई आप थे ना, थे ना एक दिन सोई होंगी शायद, मैं ना सोई एक दिन भी ना सोई। उसके बाद ये 5 बजे 5:30 बजे सोती थी रोज, पूरी रात जग के निकाल दी थी पहरा देखने, पूरी रात 5-5:30 बजे तक जगे रहना, और उसके बाद जब थोड़ा उजाला हो जाता तब मैं जाकर सोती, क्योंकि नींद आ रही है तो उसमें एकदम सो जाती, पता नहीं लगता। तो मेरा ये रूटीन रहा है, और उन्होंने मेरे को धमका भी दिया आके उस दिन रात को, मैंने कही ना तो बाहर है अंदर थोड़े हैं, और वो मेरी जहां मेरे पैर रहते हैं जिस साइड में उधर ही खड़े थे सारे, ऐसे भूत से खड़े थे, लड़की एक लड़की भी थी उनमें, लड़के थे यहाँ खड़े थे अलमारी के पास खड़े, और मेरे से कह रहे तू क्या कह रही है, तू ना डरेगी, हम बाहर है देख, हम तो ये खड़े तेरे पैर के पास देख, दिख गए सच्चे दिख गए खड़े दिख गए, और वो यही तो दिखे, हर बार यही तो दिखे मैंने, वो पैर तरफ तो रहे, पैर तो है बस। मैं इनके लिए डरा ये, मैं तो सच्ची में यहाँ आए, घर के अंदर घर के बाहर ना आए, तो कहते ये चीज वही तो रहती है, हवा ही तो है, ये रुक तो थोड़ी है कहीं पे, फिर चले गए होंगे, फिर चले गए होंगे और क्या। और मेरे को ये है ना, अब दीपा कह रही मम्मी मैं कभी गुस्सा नहीं करती, आपने देखा मेरा वहां जाकर नेचर चेंज हो गया था, जब मैं यहाँ पे आई थी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था मुझे, पहले मैं 2-4 दिन के लिए 5-7 दिन के लिए जाती थी, और अब मैं सीधी 3 महीने के लिए रही थी आपके पास में, आपने देखा था मेरा नेचर कैसा हो गया था, अब मैं नहीं आती मम्मी मुझे डर लग रहा है, या तो आप मकान शिफ्ट कर लो, नहीं तो मैं नहीं आती। अब 2-4 महीने के लिए क्या मकान शिफ्ट करना है बताओ, जहाँ अब तक काटा है भगवान के सहारे, अब भी काट लूंगी भगवान के पैर पकड़ के, मैं तो और क्या, मेरे तो भगवान है रक्षा करने वाले, कहीं टाइम होने वाला है बिग बॉस का भी, उससे पहले मैंने सोचा चल थोड़ा वीडियो बना लेते, बिग बॉस अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, सिद्धार्थ की वजह से, सिद्धार्थ ने 13 में बहुत अच्छा काम किया था, और अभी भी उसी के इर्द गिर्द है, अभी भी राज शुक्ला के उस पर ही चल रहा है अभी, और भी 2-3 लोग हैं जैसे हीना खान हो गई, गोहर हो गई, ये भी अच्छा चल रही है, और निक्की तंबोला क्या है उसका तंबोली वो भी अच्छी है लड़की, वो भी दूर तक जाएगी, आगे तक बढ़ेगी वो, और दूसरी है जो पवित्रा और भसीम, उनका भी थोड़ा बहुत योगदान है, इन लड़कों में इतने लोग एक्टिव नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे चलेगा देखो। तो अभी तक सबसे जो इनमें वीक कैंडिडेट है वो तो वो सबसे वीक कंटेस्टेंट है अभी तक तो, पर देखो आज आगे क्या होता है, 2-3 दिन में एकदम से बाजी पलटते, देर नहीं लगती इसमें। और मुझे पता ही है अभी जो सिद्धार्थ बता रहे 15 दिन के लिए 3 लोग आए हुए हैं, और हो सकता है जब तक ये लोग खींच के भी ले जाए आगे, फिर ये फिर आगे फिर चित हो जाए सारे के सारे, क्योंकि अभी तो सीरियल इन्हीं के उस पर चल रहा है जो पुराने लोग हैं, मतलब कपड़े धोने नहीं आते इन लोगों को, सब चिलत्तरबाजी करते हैं, मैंने दो चम्मच वो डाला उसमें पाउडर एक बकेट पानी में, और झाग ही नहीं निकल रहा, ऐसा कौन सा भाई पाउडर है हमें भी बताओ। सेलिब्रिटी है जो उनके बच्चे होते हैं उनका तो मैं मान लो भाई चलो, उनके यहाँ शुरू से भाई वो मेड होते हैं, नौकर है भाई लगे होते हैं, वो लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो आम घर से बच्चा निकल कर जैसे सुशांत आया था, आम घर के बच्चे है ना हम लोग, जैसे बच्चे हमारे हमें कपड़े धोने नहीं आते, तो ये तो गलत बात है ना, सब आता है सब कुछ आता है, बोलने वाली बात है, इसका मतलब असलियत नहीं है अभी उनकी, जो लोग ऐसा बोलते हैं उनकी असलियत अभी बाहर आई नहीं है बस। और बिग बॉस का घर एक ऐसा है जहाँ पे अपनी असली रंग में रहना पड़ता है, आती है सबकी आती है असलियत, आएगी सारी सब, जो जैसा है वैसा ही बिहेव करना चाहिए। और जब बिग बॉस में एक बार कोई आ जाता है ना, और उसके बाद जब वो बाहर जाता है जो अच्छा है तो उससे लोग अच्छे उससे देखेंगे, और बुरा होगा तो ये कहेंगे बहुत गंदी थी ये बहुत गंदा था, ये चीज देखो वो अपनी इमेज वहां से ही बना के निकलते हैं अच्छी और बुरी। अरे तो बाकी अच्छा है, टाइम पास हो रहा है, दो बार देख लेते हैं कई बार, तो जब बिग बॉस आ जाता है जब तक नींद नहीं आती तो चलता रहता, खत्म होने के बाद भी दोबारा चल जाए देखते रहेंगे, दोबारा स्टार्ट हो जाता है और ये देखते रहे फिर। बिग बॉस है भी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, अच्छा बढ़िया है, बहुत बढ़िया है भाई, रियलिटी दिखाना और मतलब एक अच्छी वो है। और एक कपल आया है दोनों,
तो उनके रिश्तों में थोड़ा पहले से होगा कुछ दिक्कत होगी, तो यहाँ पे भी मैंने उनको बहुत कम बात करते हुए देखा है। मतलब आपस में मतलब जैसे भाई मियां बीबी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो भाई जैसे भाई हस्बैंड वाइफ तो एक साथ रहने चाहिए, एक साथ बैठना चाहिए, नहीं एक वहां है तो एक बाहर बैठा है तो एक अंदर है, कुछ इस तरह से मतलब उनका वो रिश्ता दिखाई नहीं दे रहा पति पत्नी वाला। उन्होंने बड़ा वही कमाल ही कर दिया कि भाई वो व्यक्ति जो भी है अपनी वाइफ को बचा सकता था, उससे नॉमिनेशन से बचा सकता था, वो बाहर से अंदर ला सकता था, अंदर ला सकता था गार्डन से। और क्या, वो ये थोड़ी है कि वही आउट होने वाला, वो तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को सबसे वीक कैंडिडेट समझता है, उसका हस्बैंड जब तक वो घबरा रहा है, शुक्ला है वो भी, शुक्ला हो चाहे कोई भी हो घबरा रहा है अभी इसलिए। और उसको ये नहीं है कि भाई बीवी से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता, और बिग बॉस ने कहा कि भाई आप ये अगर कर दोगे हस्बैंड वाइफ हो, हाँ हस्बैंड वाइफ हो तो आप इनको अगर अंदर आने दो, तब भी उसने बोला नहीं मैं अपने आप को असुरक्षित नहीं करूंगा, बस एक नॉमिनेशन। अरे सात दिन मान लो बच जाता तो सात दिन ही तो ज्यादा रहेगा, और सात दिन के लिए उसने अपनी बीवी को अंदर नहीं आने दिया, बाहर खड़ी रही अभी, बाहर खड़ी रही, तो ऐसे लोगों का क्या मतलब है, अपना रंग दिखा दिया उसने, अपनी ओपिनियन दे दी मैं। एक बार तो निक्की का थोड़ा मेरे को सही नहीं लग रहा है, वो जैसा जिस घर से आई हो सकता है बहुत बड़े घर की लड़की हो, सभी है जो भाई आए हो तो बड़े घर के ही आए हुए हैं, हम जैसे नॉर्मल वाले तो लेते ही नहीं है बिग बॉस में, ठीक है। तो आप ये बताइए, वो सारी चीज दिखा रही है, मेरे नेल बड़े हुए हैं, मैं बर्तन नहीं मांजूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मतलब अपना ऑर्डर था लोगों पे वो करे, जैसे वो सलमान खान है, सलमान खान के परिवार से निकली हुई है वो, अगली बार उसी के नखूनों का ही नंबर आएगा कि उसको नखून ही देने पड़ेंगे अपने, बस उसका थोड़ा सा वो है किसी का नखूनों पे वो कर रही है गुमान, तो अगली बार उसके नखूनों का ही नंबर आएगा कि भाई नखून दे, फॉलो करते होंगे जो हमें अच्छा लगा, जो बुरा लगा वो सब हमने आपके आगे शेयर करा है, ठीक है। और आज भी अच्छा प्रोग्राम आएगा, चीज दिखाएंगे ना, ये है फैमिली प्रोग्राम है, और बच्चे तो बहुत जोर से देखते हैं बिग बॉस, हमारे यहाँ देखो घरों में हमारे भतीजे हैं, भाई ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं घर के, बिग बॉस बिग बॉस सबका मतलब बिग बॉस फेवरेट है, और चाहे वो ना सीरियल देखेंगे ना पिक्चर देखेंगे, बिग बॉस एक ऐसी चीज है, तो इसे भी थोड़ा साफ सुथरे उससे पेश करूँ ना। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारी, हमें पता है कि आपको ये अच्छी वीडियो लगेगी, अच्छी वीडियो है, अच्छा अच्छी वीडियो है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हम इसी इंतजार में हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए कर दीजिए जी, जो सुन रहे हैं देख रहे हैं कर देना भैया, और क्या, और हमारी ऐसी ऐसी स्टोरी है, और मैं तो ये हॉरर वाली डालती भी नहीं हूँ इसलिए कि भाई आप लोग बहुत से लोग डर जाते हैं, कहते नहीं डालना आंटी हमें डर लगता है, तो फिर मिलती नहीं, बच्चे हैं बच्चे डर जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलेंगे आप, अब मिलेंगे हम, तैयार रहो सुनने के लिए, सुनने के लिए भी और मिलने के लिए भी तैयार रहो। अब मैं इनके ये देखो नींद में इतने हैं, अब इनके एक पोल खोल देती हूँ कोशिश की, अच्छा जी, अच्छा आप लोग बताना कोशिश के अंदर कुछ चेंज आया है तो बताना, मैं नहीं बताऊंगी आपको, आप लोग खुद बताना कोशिश को, मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया जी, जैसा हूँ वैसा ही। हाँ देख बस मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, कोशिश जी मेरे पास बैठे हैं, और अब आप बताओगे, मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपकी पार की नजर है वो किस तरह से परखती है कोशिश जी को, तो आप लोग बताना, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत उससे देखना पड़ेगा आंखों से, लेंस लगा कर, हाँ आप बताना कोशिश जी में के अंदर जैसे कहते हैं ना 10 कमी ढूंढो उसके अंदर से, तो कोशिश करते हैं ढूंढना है वो कमी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।